हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपके साथ अपना पूरी जिंदगी, है ना, अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि क्या वो अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का क्या है, क्या नहीं है, या आपसे जो है अलग होना चाहते हैं या फिर क्या है। पूरी तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी एक क्लैरिटी मिल सके। और जो होगा मैं क्लियर बताऊंगी, तो आप लोग वैसे ही लेना, एज अ गाइडेंस लेना। और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, ठीक है, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी। सो इस बात का ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो आपके लिए क्या सीरियस है या फिर नहीं, यानी कि आपके साथ पूरी जिंदगी जीना भी चाहते हैं या नहीं। तो दोनों के लिए मैं कार्ड निकालूंगी, आपके लिए भी निकालूंगी और आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड निकालूंगी, ठीक है। सो फिर से बता दूं कि ध्यान रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ब्रेसलेट लेना है, क्रिस्टल ट्री लेना है, पेंडेंट लेना है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज मुझे गाइड करें। चलिए कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या है कार्ड्स की एनर्जी। ध्यान रखिएगा अभी आपके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूं, तो अभी आपके ऊपर अपना ध्यान होना चाहिए, ठीक है, अभी फिलहाल आपके ऊपर ध्यान होना चाहिए। लास्ट कार्ड, ओके, आपके पार्टनर के लिए भी मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है शेयर द लव, शेयर द लव का कार्ड है। आप दोनों के बीच में बहुत ही खूबसूरत सा एक ऐसा बॉन्ड दिख रहा है मुझे, जो कि एक होता है ना कि तुम मिल गए हो, पूरी दुनिया मिल गई है, सारी कायनात में भूल जाऊंगा, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ही अच्छी सी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज्यादा अच्छी। आपके और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है ना, काफी ज्यादा स्ट्रांग सा मुझे फील होता हुआ दिख रहा है। जैसे प्यार, मोहब्बत, इकरार, वो भी दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे जैसे कि शादी करने का मन बहुत ज्यादा है, है ना, शादी करने का मन बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी मुझे दिख रही है, शादी करने का मन, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर एक जो होता है ना कि आप दोनों की थिंकिंग ही है, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हो, दोनों एक दूसरे को ट्रीट करते हो बेस्ट फ्रेंड की तरह, है ना, तो ये मुझे दिख रहा है। चलिए आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। बिलीव एंड सक्सीड नंबर 6, ओहो नंबर 5 एंड नंबर 7, ओके 5 6 7, 5 6 7, है ना,
तो ये आपके लिए कार्ड है। तो यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी को देखूं तो देखो, आपको पता है कि अगर आप इस रिश्ते में जाना चाहोगे या आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने पर्सन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनकी फैमिली के लिए, है ना। तो आपको हर किसी को मनाना होगा और हर किसी के सामने अपना एक स्ट्रांग पॉइंट रखना होगा ताकि आपकी बातों को वो समझे। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप पे तो यहाँ पे लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो क्यों रही है। आखिर आप भी सोच रहे हो कि इन लोगों की शादी करनी ही है, कहीं ना कहीं जो है अपने बच्चे की शादी ये लोग करेंगे ही करेंगे, है ना। फिर ये लोग मेरे से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है, आप ये भी सोच रहे हो। आपके पार्टनर के अंदर शायद वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो पावर नहीं है कि आपके लिए स्टैंड ले, है ना। और आप जो है इनको मोटिवेट कर रहे हो कि तुम कर सकते हो, तुम बात करो, तुम फैमिली से बात करो, स्टैंड लो, है ना। लेकिन ये पर्सन का नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं और आप यहाँ पे परेशान हो रहे हो। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी परेशानी यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है और आप जो है आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन कुछ ना कुछ तो जरूर दिख रहा है। यानी कि आप अपनी तरफ से पूरी अपनी जिंदगी जो है ना वो जीना चाहते हो अपने पार्टनर की तरफ, अपने पार्टनर के लिए जीना चाहते हो, ठीक है। अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहते हो पूरा, है ना, पूरी लाइफ टाइम। अगर मैं देखना चाहूँ तो पूरी लाइफ टाइम आपको बिताने में अपने पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, देखो आप इसमें बैलेंस करना चाहते हो और बैलेंस करना आपको पता है कि आपको कैसे बैलेंस करना है अपने रिश्ते को, कैसे आपको अपने रिश्ते को बचाना है। कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिली है या कहीं ना कहीं से आपको वो एक होता है ना कि हाँ पॉजिटिव साइन मिला है, जिसको लग रहा है कि आपको लग रहा है ना कि इस रिलेशनशिप को अगर मैं बैलेंस करूं, बचाऊं, तो शायद कुछ हो सकता है। यानी कि जितना मैं दे रही हूं उतना मेरा पर्सन भी दे, तो है ना, हो सकता है बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बट वही है कि चेंजेस लाने पड़ेंगे, चेंजेस लाने पड़ते हैं लाइफ में। अगर कुछ पाना है, कुछ करना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है आपको। तो वही है कि आपके पार्टनर को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे आपके साथ आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है रिलेशनशिप का, मुझे ये भी दिख रहा है कि भली भांति आप पूरी तरीके से एकदम से फोकस हो और पूरी तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ सारी चीजें सही हो जाएंगी। आपके तरफ का मुझे दिख रहा है कि सारी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो आप पॉजिटिव हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के कि आपको जिंदगी जीनी है उसी पर्सन के साथ। अब बात करते हैं आपके पर्सन के कार्ड्स की। ओके, क्लैरिटी ऑफ विलीफ का कार्ड है। ओके, टेक द लीड एंड है मेरे पास ओहो सैडनेस एंड आइसोलेशन। ओके, कोई नहीं, यहाँ पे तीन तीन है, तीन नंबर का कार्ड है, 133, ठीक है। तो ये हो सकती है आप दोनों के बीच, मतलब सिग्निफिकेंट नंबर, नंबर 3 हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना आपके कार्ड्स में कि देखो आपके और आपके पर्सन के बीच कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी होगी, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी तो इनकी फैमिली, एक तो डायरेक्टली दिख रही है कि फैमिली है, ठीक। और एक ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जहां पे मतलब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे फीलिंग दिख रही है, देख रहे हो यहाँ पे 3 of Swords की एनर्जी है। किस तरीके से ये पर्सन तकलीफ में है, किस तरीके से ये पर्सन एकदम से बेचैन है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बाहर निकले, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है जो कि आपको बताए। जैसे होता है ना कि हाँ हमें फील होता है कि हाँ हमारा पार्टनर है, हमारे लिए एक्शन ले रहा है या डिसीजन ले रहा है तो हम उसका साथ दे, है ना। बट यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ
यहाँ इन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। आपके पार्टनर बस आपको यही कहते हैं कि समय का इंतजार करो, सही समय का इंतजार करो, और सही समय आने पे मैं पक्का तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा या लूंगी, ठीक है। तो आपके पार्टनर का कहना है कि समय सही आने दो, उसके बाद से देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक। क्योंकि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर बहुत ही अच्छी सी एनर्जी में दिख रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है जैसे देखो इनको क्लियर है आपके लिए, इनको क्लैरिटी है, इनके मन में क्लैरिटी मैं देख पा रही हूँ कि इनके मन में क्लैरिटी इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि इनको आगे आपके साथ ही बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन भी नहीं चाहते हैं कि आपका दिल तोड़े, आपको तकलीफ दे, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ ही एक ऑफर करना चाहते हैं, आपको एक जस्टिस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। तो आपके पार्टनर का मन है आपके साथ पूरी जिंदगी, है ना, पूरी जिंदगी में साथ निभाने की, पर ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये भी तो देखना जरूरी है ना, है ना। चलिए कार्ड्स निकालते हैं, क्या क्या कार्ड्स हैं देखते हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, आपके लिए भी कार्ड निकालूंगी और आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड निकालूंगी। मेरे नसीब में तो है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सॉन्ग से रिलेट कर रहा है कि मेरे नसीब में तू है कि नहीं चैनल हो रहा है सॉन्ग। प्लीज मुझे गाइड कीजिए। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके प्लीज मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। पहले फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एक मिनट जस्ट मिनट मैं कैमरा सही कर लूं। अब सही है, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। अगेन नंबर थ्री का कार्ड, नंबर सिक्स, वेरी नाइस, आपके पर्सन के लिए निकालते हैं कार्ड। जजमेंट, वेरी नाइस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट कार्ड। ओके द हर्मिट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक दे रख लेते हैं। ओहो टू ऑफ कप्स, देखो प्यार तो है दोनों में, बहुत प्यार है, प्यार बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा मुझे यही दिख रहा है कि प्यार दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांग सा कनेक्शन फील करते हो, बहुत स्ट्रांग सा कनेक्शन। जो भी कनेक्शन है आप दोनों का, सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, जो भी कनेक्शन है आप दोनों का, लेकिन दोनों को फील होता है, ठीक है, दोनों को फील होता है कि ये कनेक्शन आखिर क्यों है, क्या है ये कनेक्शन, ये मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है मुझे। चलिए यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्या दिख रहा है और मुझे, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच, देखो आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो आप थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि आपकी लाइफ में बार बार ये जो है ना ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बार बार चैलेंजेस आ रहे हैं, बार बार कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे आप जो है ना यहाँ पे चिढ़ गए हो। आप एकदम से होता ना कि जैसे कि निगेटिविटी हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है तो हम चिढ़ जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, तुम लोग संभालते क्यों नहीं इसको, है ना। तो ये वाला चिड़नपन जो है ना वो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये है कि आप इंतजार करोगे, आप अपने आप के ऊपर बैलेंस करोगे, आप बहुत सारी चीजों को बैलेंस करोगे, बहुत सारी चीजों को, और बैलेंस करके आप यहाँ पे रिलेशनशिप को स्टार्ट करोगे। मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है ये बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, आपका रिलेशनशिप
कहीं हद तक जो है ना आगे जा सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको बस और बस आपको जस्टिस चाहिए, आपको जजमेंट चाहिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन मेरा है तो मेरा होना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ना आप इंतजार करोगे इनके पेरेंट्स के मान जाने का, अपने पेरेंट्स के मान जाने का, है ना, और आप दोनों की बॉन्डिंग जो है ना अच्छी तरीके से जाए इस बात का। ठीक, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ये आगे तक जा सकता है, बस आपको वेट करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ के कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके कि आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, द हर्मिट का कार्ड है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, जजमेंट का कार्ड है। देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप जो है ना स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ जो दिल टूटा है, जो तकलीफें हुई है ना, आपके पार्टनर को बेचैन कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये अकेलेपन में हैं, इनकी आत्मा तक अकेली है। होता है ना कि हम किसी के साथ बैठ करके बातें करना, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर करना पसंद करते हैं। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे एकदम उल्टा पड़ा हुआ है कि नहीं, मुझे अपनी फीलिंग्स में अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे फीलिंग्स मेरे इमोशंस को समझ नहीं पाएगा, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, क्यों मैं इतना ज्यादा जो है प्रॉब्लम में हूँ, कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को। और ये पर्सन उदास बैठे हैं, परेशान बैठे हैं। ये पर्सन का दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि इनको इनसिक्योर फील हो रहा है, क्योंकि इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि अगर ये पर्सन एक्शन लेते हैं, अगर ये पर्सन डिसीजन लेते हैं, तो क्या वो एक्शन और डिसीजन लेना इनके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। ये पर्सन को थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे अंदर से फील हो रहा है कि कहीं मुझे जो है ना, मैं जिसके भरोसे बैठा हूँ या जिसके ऊपर मैं इतना ज्यादा अंधा ट्रस्ट कर रहा हूँ, कहीं वो मेरा ट्रस्ट ना तोड़ दे। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स, वो इमोशन जो है ना इनके बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मतलब एक जो होता है ना कि हाँ हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, है ना, हमें खुद को, है ना, काफी ज्यादा भारी पड़ जाते हैं, तो वो मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट की एनर्जी मुझे क्लियरली बता रही है कि आपका जो रिलेशन है ना, आपका जो रिलेशन है, जजमेंट की एनर्जी, आपको जजमेंट मिलेगा, आप जो भी हो आपको जजमेंट मिलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर ने डिसीजन लिया है। वो क्लैरिटी है ना कि आपके साथ जिंदगी जीनी है कि नहीं जीनी है, तो जिंदगी तो जीनी है, यहाँ पे अपनी लाइफ पूरी आपके साथ ही व्यतीत करनी है, बितानी है यहाँ पे, क्योंकि क्लैरिटी के नीचे ही आया है ठीक जजमेंट का कार्ड। दोनों कार्ड जस्टिस के हैं, दोनों कार्ड बता रहे हैं कि नहीं, जस्टिस तो मिलेगा तुम्हें, है ना, तो जस्टिस मिलेगा आपको। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपका आपके पर्सन के साथ रिलेशन है लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म रिलेशन नहीं है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म रिलेशन है। ठीक है, सो मुझे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं आपके साथ। सो ये है आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं तो कर भला तो हो भला, है ना, तो आप लोग भला ही नहीं करोगे तो आपका क्या भला होगा। तो वही है बात, मैंने एक कहावत नॉर्मल सी कही है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसा कुछ बोल रही हूँ, नहीं, मेरे कहने का सेंस वो नहीं है, ठीक है, तो मेरी भावनाओं को आप भी समझें। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।